तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? तो आप लोग सोच रहे होंगे ये साला बंदा कैमरा पकड़ के क्या कर रहा है। जो सोच रहे हो वही कर रहा है, व्लॉगिंग पहली बार इस चैनल पे नोवडा स्टाइल में व्लॉगिंग। जो साला बंदा गेम प्ले ठीक से नहीं कर पाता वो आज व्लॉगिंग करेगा। ये है मेरा एक दोस्त। व्लॉगिंग चल रहा है आज पूरा। तो आज हम जा रहे हैं एक हमारे मतलब जो है ना, मैं एक्चुअल में रहता हूँ ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का बारीपदा सिटी में, ठीक है। तो बारीपदा का एक बहुत ही फेमस जगह है जिसको बोलते हैं बिजू पटनायक पार्क। उसके बगल में एक जगह है आई लव बारीपदा। मेरे को पता नहीं आप लोग को पता होगा कि नहीं, लेकिन वो जगह है आई लव बारीपदा। अबे साला बस आ गया, रुको। तो हम जा रहे हैं अभी आई लव बारीपदा में। तो आई लव बारीपदा में एक बढ़िया सा टूरिस्ट प्लेस है। साइकिल में अभी जा रहे हैं हम, चार दोस्त हैं और चारों मिलके अभी जा रहे हैं घूमने। चलो अभी मोटो व्लॉगिंग। Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. वाड़ी जिसको बोलते हैं भगवान श्री जगन्नाथ का मौसी माँ का घर है उधर, मतलब बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है राधा मोहन मंदिर। इसमें भगवान कृष्ण को पूजा जाता है। ये है वो मंदिर है गाइस। और आगे आ रहा है माता अंबिका का एक मंदिर, जिसको भी राजा के वक्त ही बनाया गया था, महाराज जो थे हमारे। इधर एक देख सकते हो एक वो जो बड़ा स्वस्थ का पेड़ है ना, उसी के नीचे माता अंबिका प्रकट हुई थी। तो उसी वक्त से इस मंदिर को प्रतिष्ठित किया गया है और वो उस समय से आज तक चला आ रहा है। You caught my soul when I was falling. You moved the clouds to stop me from hitting the ground. And every goal there was a meaning for this love ain't kryptonite. And if you keep me close, a minute in this hourglass you hold. Okay, family ke paas. So guys, ab ye dekh sakte ho, ye jo hai, ये पूरा जो आपको जंगल की तरह दिख रहा है, इसके पीछे है गाइस राजा जो है हमारे, जो हमारे राजा है उनका महल है इधर। वो अभी तो फिलहाल उसको गेस्ट हाउस की तरह बना दिया गया है, होटल बोल सकते हैं इसको। तो राजा मतलब जो भी आते हैं ना लोग दूर दूर से देखने के लिए, तो इधर ही ठहर सकते हैं वो लोग। अभी ये देखो, ये है उनका जनरेटर, इतना बड़ा जनरेटर है एक महल के लिए, पूरा कवर करके रखा है पानी वानी ना चला जाए। इसलिए साइकिल की स्पीड अभी भाई ने पूरा तेज कर दी है। अपग्रेड में घूम रहे हैं भाई साहब, कहते ही है नेक्स्ट लेवल हो गई। ये देखो साइज, वो व्हाइट सा एक, वो देखो वो व्हाइट दिख रहा है बड़ा सा महल, वही है गाइस राजा का महल। ये गया फोन अभी, रुको दलान का समय उतर जाए क्या? इधर एक स्कूल है गाइस, देख सकते हो ये स्कूल है, सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलगोड़िया। और ये भाई अंकल ने बोला कि इधर भी थोड़ा सा दिखा दो, दिखा दिया हमने। और अंकल जी कहते हैं जहर था, लेकिन याड़े भी थी दिखा, जो उड़िया से होंगे उनको पता चल गया होगा। ये अभी ढलान में उतर गए हैं। अभी ये देख सकते हो गाइस, अभी मैं चल चल के जा रहा हूँ तो थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं जूम करके। ये जो है गाइस, ये है मेन गेट राजा के, जो होता है ना राजा का मतलब, वो क्या बोलते हैं उसको,
राजा का महल, हाँ वो उसका पैलेस है इधर ये जगह पे, पर्टिकुलर यही जगह पे है। और वैसे तो हम लोग बहुत बार इधर आए हैं, इधर ही जो होता है भंजपुर नाम का एक जगह है जहाँ पे हमारा बहुत ही बड़ा मेला लगता है, जगद्धात्री मेला। और ये देख रहे हो नुबड़ा गाइस थक हार के, ये नुबड़ा ही साला फ्री फायर खेलता है, लेकिन कितने बार हरा है भाई तू मेरे से भाई, पानी निकल के पूरा ढलान चढ़ते चढ़ते। रुको रुको फिर से बोलो क्या बोले भाई, रुको भाई ढलान चढ़ते चढ़ते, रुको यार रुको रुको, हाँ अभी बोलो, ढलान चढ़ते चढ़ते पानी निकल गया, पसीना बहुत है भाई वो पानी नहीं। और वो देखो एक और नुबड़ा, जूम करके दिखाना पड़ेगा इसको, ये दूर पहाड़ों से निकला टन आ रहा है वो अभी। और ये है आगे जाने का हमारा रास्ता, जो इस रास्ते से हम अभी जाएंगे। और क्या, और हाँ ये है गाइस, ये जो दिख रहे हो ना ये बड़ा बिल्डिंग जिसमें जियो लिखा हुआ है, वो है हमारे इधर का फायर स्टेशन। अभी बस एक छोटा सा ब्रेक लिया, रुको गाइस अभी हम ना इधर जो है एक छोटा सा ब्रेक लिया है, ये पूरा पलटन है हम लोग चार लोगों का। तो ये है एक मेरा भाई की तरह है, मतलब मेरे चाचा का बेटा होगा ये हम चार बंदे हैं। तो हम जा रहे हैं अभी किधर, सॉरी आई लव बारीपदा जा रहे हैं हम लोग, तो मैं भूल गया था सॉरी। तो अभी आपको उधर ही मिलते हैं रास्ते में, और थोड़ा सा मोटर व्लॉगिंग कर देंगे, तब तक के लिए गाइस बाय। To stop this world from spinning, like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life, like kryptonite, and if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold. पैसा ही नहीं लाया हम तो गरीब है, अरे खुला भी नहीं है अब तो गाइस, खुला भी नहीं है। अभी हम आ रहे हैं दोपहर के कितने बजे दोपहर के 11 बजे गाइस अभी हम आए हैं। और ये है वो डेस्टिनेशन जहाँ पे हम आने के लिए बोले थे, आई लव बारीपदा, ये है गाइस वो डेस्टिनेशन। अरे बाप की शादी है साले, ऐसे घुमा रहा है साइकिल इधर, ये देख सकते हो गाइस, ये है आई लव बी ए आर आई पी ए डी ए बारी पौधा। रुको तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है वो डेस्टिनेशन जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आई लव बारीपदा जो नाम है, ये है मतलब एक बहुत ही अच्छा सा टूरिस्ट प्लेस है ये एक। और ये है मेरा दिल इधर में छूट गया था, किसी ने धोखा दे दिया तो दिल मेरा यही छूट गया था, इसको मैं लेने आया हूँ इधर से। आजादी चलते हैं फिर से, कोई धोखा नहीं देगा, मना कर रहा है वो नहीं आएगा,
क्या करें गाइस? इसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बोलना जरूरी था गाइस, इसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ टीआरपी के लिए कर रहा है ये लौंडा। सही पकड़ा है भाई। और ये जो है आप देख सकते हैं इधर एक बोर्ड लगा हुआ है कि बिल्कुल भी उसके पास बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि साला इलेक्ट्रिक का झटका लगेगा ना उधर ही ऐसे ऐसे करके। 11 दिन का माछवाद फ्री में मिल जाएगा सबको, तो सतर्क रहे। मजाक कर रहा हूँ भाई, सच में इधर बहुत खतरनाक, मतलब जो है बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है इधर से पास होती है, जिससे कि आदमी का मौत भी हो सकता है। और पासा भाई, पासा पासा, कैमरा होल्डर है तू, पासा। उर्दू से बोलूँ क्या, उर्दू में बोलूँ? साले को कैमरा पकड़ना नहीं आता। तो गाइस यही वो जगह है जहाँ का, अगर देख सकते हो, एक अच्छी चीज़ दिखाऊँ, थोड़ा सा जूम करके अगर दिखा सकते हो, दिखा देता इधर ना, कबूतर ने टट्टी कर दिया है। तो भाई अभी ऑन हो चुका है, तो भाई आपको कैसा लग रहा है इस जगह पे? बहुत ही कदर से बेकार लग रहा है इस जगह पे। चला जा, नहीं नहीं रहने का तेरे को साथ। नुबड़ा को कौन लाया है मेरे साथ, कौन लाया इसको? और एक बंदा भाई, और एक बंदा। इन सबको चप्पल दिखा के बुलाना पड़ता है। हाँ आ जा, तेरे को कैसा लगा इधर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब में आ रहा हूँ। मैं बोला इधर आके कैसा लग रहा है तेरे को? YouTube की बढ़िया है, बहुत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इधर आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। डिटेल में बता, डिटेल में जानना है तो डाउटनेट ऐप डाउनलोड कर दे। फाइटर जूनियर डाउनलोड नहीं कर सकते कोडिंग के लिए? हां घुसा दे, मुंह के अंदर ही घुसा दे। हमारे जो है ना, जो मुख्यमंत्री जो है बीजू पटना, मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक, उनके पिताजी जो थे बीजू पटनायक, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी बहुत सारे बंदों की जान बचाई थी और बहुत सारे सिपाहियों के भी जान बचाई थी, वो एक पायलट थे, तो उन्हीं के श्रद्धांजलि के लिए ये 2009 में ये खोला गया था। देखो उधर डेट भी लिखा हुआ है, 31/8/2009 भंजपुर में है बीजू पटनायक शिशु उद्यान। ये गिर गया नुबड़ा वोट लाला। और अभी अभी देखो गाइस, ये मिक्की माउस है, मेरा बचपन का सबसे बढ़िया कार्टून, बचपन में ही बचपन का कार्टून बोल रहा हूँ। ये इंग्लिश में है, आप लोग अभी पढ़ सकते हैं, जो कि लिखा हुआ है उधर, दिखा भाई उधर, जो कि लिखा हुआ है गाइस बीजू पटनायक चिल्ड्रंस पार्क, 31/8/2009 इंग्लिश में होगा, 31/8/2009 भंजपुर। तो गाइस अभी हम खुद से ही ब्लॉक कर लेते हैं ये बंदे को। और ये देखो गाइस, पूरा शेप में पूरा एग्जैक्ट 90 डिग्री से काटा गया है ये। मेरे को भी मैथ सिखा दे भाई, जो उसने भी काटा है ये 90 डिग्री से। और क्या बोले, अभी चलो घर ही चलते हैं। तो गाइस अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारे इधर का छऊपड़िया, सबसे बड़ा प्लेग्राउंड जिसको बोलते हैं, ये है छऊपड़िया गाइस। इधर काम भी चल रहा है, ये देख सकते हो टाइल फाइल गिरा रहे हैं सब लोग। और नहीं अंदर नहीं जाना भाई, बाद में चलेंगे अंदर। और ये अभी मैं बंद कर रहा हूँ, बज रहे हैं रात के 11:28। तो मैं उधर से आके थोड़ा सा थक के रेस्ट कर रहा था, फिर मैं ट्यूशन चला गया, तो मैंने ब्लॉग एंड ही नहीं किया। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं रात के अभी 11:30 बजे इसको एडिटिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग करते वक्त याद आया कि मैंने ब्लॉग एंड ही नहीं किया है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरा पहला ब्लॉग है। धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोग सो चुके हैं, मेरे बगल में चिंटू भाई भी सो चुका है, उसके फ़ोन के टॉर्च से मैं अभी ये लाइट लाया हूँ, क्योंकि अभी घर में लाइट भी नहीं जला सकते। तो मिलते हैं जल्दी ही एक और नए ब्लॉग या फिर एक और नए गेम प्ले वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट।